बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स बनाते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें, अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट्स जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो करें आपकी बिजनेस की, तो आपने इन रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। और अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कहा जाएगा कि आपके अकाउंट्स जो है ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं कर रहे और वो जो बेस्ट प्रैक्टिस मार्केट में चल रही है उस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपके जो ऑडिटर्स हैं वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं कि आपने अकाउंट्स जो है वो सही से नहीं बनाए। ऑडिट जो टॉपिक है वो हमारा AS लेवल में नहीं है, वो A2 लेवल में, उसमें हम जो है वो नेक्स्ट ईयर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से बात करते हैं एक करके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब सबसे पहले आप अकाउंट्स बनाएं तो अकाउंट्स में जो एसेट्स हैं उनको रखें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। जितने का आपने एसेट खरीदा है वो जो ओरिजिनल कॉस्ट है आप उसके ऊपर रखेंगे और वो उसकी कहलाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ, ऑल्दो अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो आप वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से माइनस कर सकते हैं। तो उस वक्त पे हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। या तो एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है जितने में खरीदा था, या तो कॉस्ट में से अगर डेप्रिशिएट भी हो रहा है तो प्रोविजन माइनस करके आप किस पर रखेंगे, नेट बुक वैल्यू। ये कहलाता है इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अलावा एक और मॉडल होता है जो हम एसेट यूज करते हैं किसमें, नॉन करंट एसेट्स में, और वो कहलाता है फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या होता है? फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब ये है कि जितने का एसेट खरीदा था उतने पे ना रखें बल्कि आज उसकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है उस पर रखें। तो हम क्या करते हैं भाई, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल किसके लिए, नॉन करंट एसेट्स के लिए। सही, लेकिन ज़्यादा डिटेल हमारे लेवल पे नहीं है, इस लेवल पे ज़्यादा डिटेल जो है वो A2 लेवल में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एसेट जितने में ओरिजिनली बाय किया था वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बात बताऊँ, जैसे कि आप लोग, अगर मैं थोड़ा इधर हो जाऊँ, सॉरी, ये देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो है वो आपको यहाँ पे स्पीकर्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको स्पीकर्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप ये जो है वो डेनी कंपनी के स्पीकर है। मैं आपसे पूछूं यार बताओ ये जो स्पीकर्स पड़े हुए इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो कोई बोलेगा यार सर 1000 रुपये के होंगे, कोई बोलेगा सर 2000 के होंगे। मैं कह रहा हूँ ब्लूटूथ स्पीकर है, कोई कह रहा है 3000 के होंगे, कोई कह रहा है भाई 1500 के होंगे। भाई जितने भी उतनी बातें, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है कि ये स्पीकर कितने के होंगे। अब अगर मैं बाहर जाऊँ और वहाँ से फाइल में से इसका जो है वो बिल निकाल के ले आऊँ कि भाई ये मैंने खरीदे हैं 2850 के, मैं आपको इसका बिल दिखा दूँ, तो वो जो बिल है वो कहलाएगी ऑब्जेक्टिव वैल्यू। और पहले आप जो सब लोग वैल्यू लगा रहे थे वो क्या थी, वो सब्जेक्टिव वैल्यू थी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का फ़ायदा ये है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का फ़ायदा ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव वैल्यू होती है। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो वेरीफाइबल होती है, जो फैक्ट होती है, जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होता। सब लोग इस बात में मुत्तफिक हो जाएंगे कि हाँ सर ये जो आप स्पीकर बता रहे हैं ये वाकई में इतने के आपने खरीदे हैं क्योंकि आपके पास इसका बिल है। तो जितने का हमने ओरिजिनली खरीदा था वो उसकी क्या कहलाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में कुछ मसाइल है। मसाइल ये है कि अगर आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आपके एसेट की वैल्यू अप डाउन होती जा रही है, तो फिर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों रेलिवेंट नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में अगर रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, जैसे कि प्रॉपर्टी है, आपको पता है प्रॉपर्टी का रेट पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आप अभी तक एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रख रहे हैं जितने में आपने खरीदा था, तो इसका मतलब वो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कंपेरेबल नहीं होगी। और अगर अकाउंट्स में देखें तो वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो नहीं कर रही होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट के नुकसान भी हैं क्योंकि इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करता और कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पिछले साल से इस साल को हम कंपेयर नहीं कर सकते एसेट्स को क्योंकि मार्केट में रेट बहुत बढ़ गया है। लेकिन अभी भी हम किस पे चल रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर। लेकिन इसका फ़ायदा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी जो है वो वेरीफाइबल वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव। जब भी हमें अकाउंट्स कंपेयर करने होंगे एक साल से दूसरे साल में, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देगी। क्यों? अगर हम बोलें कि भाई पिछले साल हमारे एसेट इतने थे, अब वैल्यू गिर गई, तो इनफैक्ट वैल्यू गिरी नहीं है, इनफैक्ट वैल्यू बढ़ी है। क्यों?
लेकिन हमने चूंकि पिछले साल वाली वैल्यू यूज की हुई है और हम उसको डिप्रिशिएट करते जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो मार्केट वैल्यू एसेट्स की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये प्रॉब्लम है हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू को जब हम कंपैरिजन करेंगे, और खासतौर पर जब इन्फ्लेशन होगी तो वो कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं। सही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी थोड़ा सा रिविजन चल रहा है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स में से वो चीज आनी चाहिए जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है। किसकी वैल्यू भाई? मॉनिटरी वैल्यू। जिस चीज को आप रुपए पैसे डॉलर में मेजर नहीं कर सकते वो चीजें अकाउंट्स में रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। भाई एग्जाम्पल ये है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझे हर मंथ फीस दे रहे हैं, वो जो फीस है वो एक्सपेंस है, वो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि आप वो पैसे दे रहे हैं, आपकी जेब से कैश जा रहा है, आपको पता है भाई इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ऊपर। सही, ये तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फीस एक्सपेंस, लेकिन बदले में आपको क्या एजुकेशन मिली? सही, आपके घर वाले पूछते हैं कि बताओ आज कितने का इल्म सीख कर आए हो, तो आप उस कितने के इल्म को वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। अरे बात सर, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, सही अब तो जा नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं और हम जो है वो खाना खाते हैं अपनी फैमिली के साथ, 3,000 रुपये बिल बढ़ते हैं, तो वो जो 3,000 रुपये वो तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस, लेकिन उसके बदले हमें कितना प्लेजर मिला, कितना हमें सुकून मिला, कितना हमारा जो है वो पेट भरा, कितना हमें मज़ा मिला, सही, कितना हमने एंटरटेन किया, वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमने पैसे खर्च किए। तो मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि अकाउंट्स में सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते जैसे कि गुडविल है, बिजनेस की रेपुटेशन, जैसे कि स्टाफ है, स्टाफ की जो स्किल्स है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि स्टाफ को हमने हायर किया है, हमने उनको खरीदा नहीं। जब भी स्टाफ चाहे हमारा मूव कर सकता है और वो हमारी जॉब छोड़ के जा सकता है और हमारे किसी कंपेटिटर को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो स्टाफ की जो स्किल्स हैं, बिजनेस की जो लोकेशन है और जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, गुडविल है, रेपुटेशन है, इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी मॉनिटरी वैल्यू है। सही है, जैसे बिजनेस में अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है वो हम मेजर कर सकते हैं। हमने एक नया एसेट खरीदा तो उससे हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कितना आउटपुट बढ़ गया, वो तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमने एसी लगाया, एसी लगाने की वजह से कितना मज़ा आ रहा है स्टाफ को, वो मज़ा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी या जिसको अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, वो ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। दो चीज़ें हैं, एक बिजनेस है और एक जो है वो ओनर। तो बिजनेस के अकाउंट्स हम बनाते हैं, ओनर के अकाउंट्स हम नहीं बनाते। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, मिस्टर एआरडी ने एक बिजनेस सेटअप किया एआरडी बिल्डर्स के नाम से। अब एआरडी बिल्डर्स में वो इनकम और एक्सपेंस आएगा जो किससे रिलेटेड है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मिस्टर एआरडी ने एक बिजनेस सेटअप किया है एआरडी बिल्डर्स के नाम से, तो एआरडी बिल्डर्स के अंदर सिर्फ वो इनकम और एक्सपेंस आने चाहिए जो एआरडी बिल्डर्स से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर एआरडी की कोई पर्सनल इनकम है या जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो एआरडी बिल्डर्स के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एआरडी का जो बिजनेस है एआरडी बिल्डर्स, देखिए यार हमने एक बात की कि अगर मिस्टर एआरडी एक बिजनेस सेटअप करते हैं एआरडी बिल्डर्स के नाम से, तो अब देखिए मिस्टर एआरडी के बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहा है एआरडी बिल्डर्स, लेकिन क्या एआरडी बिल्डर्स को चलाने के लिए मिस्टर एआरडी के बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है? नहीं, वो मिस्टर एआरडी का पर्सनल काम है कि वो स्कूल भेजे बच्चों को या ना भेजे। तो ऐसे सूरत में ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि ये ड्राइंग होगी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ ड्राइंग। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये मिस्टर एआरडी का पर्सनल एक्सपेंस। ऐसे अगर मिस्टर एआरडी ट्यूशंस दे रहे तो उस ट्यूशन से जो इनकम हो रही है वो एआरडी बिल्डर्स की इनकम नहीं है बल्कि मिस्टर एआरडी की पर्सनल इनकम है, तो इसलिए वो मिस्टर एआरडी का जो बिजनेस है उसमें रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। अगर हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस आनी चाहिए, ओनर के पर्सनल इनकम और एक्सपेंस बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद या दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बहुत आसान है, जो हम डबल एंट्री बनाते हैं ये कहलाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक साइड पे डेबिट आना चाहिए, एक साइड पे क्रेडिट आना चाहिए।
और ये जो है वो समझ ले अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी कि अगर हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो या तो एसेट बढ़ रहे हैं साथ साथ एसेट कम भी होंगे, या तो फिर ये अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ेगी, या तो कैपिटल बढ़ेगा या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। ये जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ये बेसिकली डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद है अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। ये क्या है भाई अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि हर साल जब हम अकाउंट्स बनाएं तो एक रेगुलर इंटरवल पे बनाए। मतलब ऐसा ना हो कभी एक साल के अकाउंट्स बना रहे, कभी छह महीने के अकाउंट्स बना रहे, कभी एक क्वार्टर के तीन महीने के अकाउंट्स बना रहे। अगर आप बार बार अकाउंटिंग ईयर अपना चेंज करते हैं तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, सही है? जिसके लिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी रिलेट हो रहा है कि आप हर साल एक ही डेट पे अकाउंट्स क्लोज करेंगे ताकि आप अकाउंट्स को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, ताकि ये पता लग सके कि लास्ट ईयर कितनी इनकम थी और इस साल कितनी इनकम होगी। तो ये है आपका अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, सही जी। गोइंग कंसर्न बेसिस क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं, हर साल मैनेजमेंट जो है वो एक कसम खाती है, और वो कसम क्या होती है कि हम अगले 12 महीने तक बिजनेस को चलाएंगे और इस बिजनेस का जो गोइंग कंसर्न अगम्पशन है वो वैलिड। क्या मतलब? या देखिए मतलब ये है कि हर साल जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम एक कसम खाते हैं इस बिजनेस को बंद करने का, ना तो कोई हमारा समझ लें दो चीज़ें, एक है इंटेंशन और एक है एबिलिटी। ना तो हमारी इंटेंशन में कोई खोट है, ना तो हमारी इंटेंशन है इस बिजनेस को बंद करने की, ना तो हमारी एबिलिटी में कोई क्वेश्चन मार्क है कि हम जो है वो किसी वजह से हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, और ना तो हमारी काबिलियत में कोई प्रॉब्लम है कि हम इस बिजनेस को ना चला पाए। और हर साल मैनेजमेंट को ये अजम्पशन लेनी पड़ती है और ये कहलाती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि ये समझ लें ये जो जहाज़ है टाइटैनिक, इसको अगले 12 महीने तक हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और अगले साल फिर दोबारा ये हम अजम्पशन लेते हैं कि अगले 12 महीने तक हम इसको क्या करेंगे, चलाएंगे। व्हाट इफ के गोइंग कंसर्न वैलिड नाउ? भाई देखें व्हाट इफ के गोइंग कंसर्न वैलिड नाउ, अगर हम ये कहते हैं कि यार अगले 12 महीने तक ये बिजनेस नहीं चलेगा, इसका मतलब अगले साल से पहले पहले ये बिजनेस हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो कहा जाएगा बिजनेस की गोइंग कंसर्न क्या है, खतरे में। बिजनेस की गोइंग कंसर्न खतरे में कब होगी? दो वजह, या तो हमारी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को चलाने की, हम चलाना चाहते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं चला रहे, हम चाह रहे हैं कि इस बिजनेस को बंद कर दें, या तो हमारी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को रन करने की, या तो हमारी एबिलिटी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इसको चलाना लेकिन हम चला नहीं पा रहे हैं, हमारी एबिलिटी में मसला है, सही है? तो ये चीज़ है गोइंग कंसर्न। अब अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो क्या होगा? गोइंग कंसर्न बेसिकली अप्लाई होता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और वैसे आपको पता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम एसेट्स को रखते हैं उसकी नेट बुक वैल्यू के ऊपर। नेट बुक वैल्यू क्या होती है भाई? कॉस्ट में से अगर अभी तक की डेप्रिसिएशन माइनस करें तो क्या आ जाती है? नेट बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमने एक एयर कंडीशनर खरीदा जिसकी कॉस्ट है 50,000, लाइफ है उसकी 5 साल, डेप्रिशिएट कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हर साल 10,000 क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर। एक साल हुआ है एयर कंडीशनर खरीदे हुए और नेट बुक वैल्यू कितनी है? 40,000। एक साल के बाद हमारी बुक्स में ये एसी आ रहा है कितने का? 40,000। अगर तो गोइंग कंसर्न वैलिड है, अगर तो ये बिजनेस आगे चलता रहेगा तो हम एसी को अकाउंट्स में रखेंगे कितने पे? 40,000 पे रखेंगे। व्हाट इफ के गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो हम एसेट्स को ले आएंगे ब्रेकअप बेसिस पे, ले आएंगे किस पे ले आएंगे भाई? ब्रेकअप बेसिस। ब्रेकअप बेसिस क्या होता है? ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये है हम फॉर एग्जाम्पल वैल्यूअर को बुलाएंगे और जो वैल्यूअर होगा उसका हम उससे पूछेंगे यार ये देखो ये एसी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 25 एसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ एक एसी, ये सारे हमने पिछले साल खरीदे हैं, बताओ एक एसी कितने में बिकेगा इस कंडीशन में? तो फॉर एग्जांपल वो कहता है यार ये जो एसी है आपका, आपके पास तो बुक वैल्यू में आ रहा है 40,000 लेकिन ये 22,000 से ज़्यादा का नहीं बिकेगा, तो हम उसको 40,000 से उठा के मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे, जिसको ब्रेकअप बेसिस कहा जाता है, जिसको फोर्स सेल वैल्यू कहा जाता है। ये कब होगा? जब हमारी गोइंग कंसर्न खतरे में। अगर हमारी गोइंग कंसर्न खतरे में नहीं है तो हम उसको कितने पे रखेंगे? 40,000 पे, क्योंकि हम उस एसेट को बेचना नहीं चाह रहे बल्कि हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं। तो
ये जो गोइंग कंसर्न बेसिस है ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, और जो डेप्रिसिएशन हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सही जी, ये गोइंग कंसर्न बेसिस है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये हर साल मैनेजमेंट एक एस्टिमेट करती है और एक अंदाजा लगाती है कि ये बिजनेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा। अगर तो ये बिजनेस आगे चलेगा हमारे हिसाब से तो कहा जाएगा इसकी गोइंग कंसर्न इंटैक्ट है, और अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है तो हम अकाउंट्स को नॉर्मल बेसिस के बजाय किस पे ले आएंगे, ब्रेकअप बेसिस पे ले आएंगे, और एसेट्स को उसकी फोर्स सेल वैल्यू पे ले आएंगे कि आज अगर हम इन एसेट्स को बेचते हैं तो किस रेट में बेचेंगे। भाई गोइंग कंसर्न के बाद है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट आपने वर्ड सुना है, बड़ा जनरल सा वर्ड है, हम एवरी डे लाइफ में सुनते रहते हैं यार आपकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट है, ये जो फना प्लेयर है इसकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट है, हर बार आउट हो जाता है डक पे। सही है, तो ये कंसिस्टेंसी के मतलब आप एक ही तरीके से परफॉर्म करें, या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हर बार अच्छा करें, बुरा कर रहे हैं तो हर बार बुरा कर रहा है बंदा। सही, और तो सही नहीं है लेकिन फिर भी कहा जाएगा इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, कभी अच्छा नहीं करता, हर दफा ही बुरा करता है। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब एक ही जैसा परफॉर्म करना। तो यहाँ पे क्या मतलब है यार कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी का मतलब है जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपने एक ही तरीके से अकाउंट बनाना है, बार बार अकाउंट्स में क्या करना है टैलेंट नहीं दिखाना। ऐसा नहीं है कभी अकाउंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं, कभी रिड्यूसिंग पे बना रहे हैं, कभी रीवैल्यूएशन पे, तो कंसिस्टेंसी के खिलाफ। हाँ ये कर सकते हैं कि बिल्डिंग और मशीनरी के लिए आप हमेशा स्ट्रेट लाइन यूज करें, बिल्डिंग मशीनरी और फर्नीचर वगैरह के लिए, और वो जो टेक्नोलॉजिकल एसेट हैं गाड़ी मोटर व्हीकल हो गया आपका इक्विपमेंट हो गया, सही, तो उसके लिए आप यूज करें रिड्यूसिंग बैलेंस, और जो टूल्स हैं लूज टूल्स वगैरह क्रेट्स क्रॉकरी वगैरह उसके लिए क्या यूज करें, उसके लिए आप यूज करें रीवैल्यूएशन मेथड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसिस्टेंसी की वायलेशन नहीं। कंसिस्टेंसी को क्यों फॉलो करना जरूरी है, कंसिस्टेंसी को इसलिए फॉलो करना जरूरी है अगर अकाउंट्स आप हर बार अलग अलग बेसिस पे बनाएंगे तो अकाउंट्स में क्या होगा भाई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर अकाउंट्स हर बार अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो अकाउंट्स में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं वन ईयर टू नेक्स्ट आप अकाउंट्स को कंपेयर करें और आप ये चाहते हैं कि ये पता लगाएं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या पोअर परफॉर्म कर रहा है पिछले साल से कंपैरेटिवली, तो आपको एक ही बेसिस के ऊपर अकाउंट्स बनाना। सही है जी, तो ये कहलाता है कंसिस्टेंसी का। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसकी परसेंटेज अगर हमने लास्ट ईयर 5% बनाई थी तो इस साल भी 5% आपने यूज करनी है, अनलेस एंड अंटिल अगर आप समझते हैं कि आपने जो परसेंटेज लगाई थी वो बहुत ज्यादा थी या वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू एक्चुअल बैड डेट। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलाउड नहीं है कि आप प्रोविजन को अपडेट नहीं कर सकते, अप डाउन नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन किसी वैलिड रीजन की वजह से। ऐसा ना हो कि यार देखो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं एक्सपेंस बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट को कम कर देते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी के खिलाफ हो जाएगा। सही है जी, ये विंडो ड्रेसिंग में आ जाता है, ये क्रिएटिव अकाउंटिंग में आ जाता है। आप अकाउंट्स में हेरा फेरी कर सकते हैं लेकिन हेरा फेरी ना हो। अगर आप अकाउंट्स में चेंजेस कर रहे हैं तो इसलिए करें कि अकाउंट्स पहले ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे थे, अब आप चाहते हैं कि वो बेटर रिप्रेजेंटेशन शो करें आपके बिजनेस का। ऐसा ना हो कि आप जानबूझ के प्रॉफिट को अप डाउन करने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, चीजों को चेंज कर रहे हैं। पहले स्ट्रेट लाइन यूज हो रही थी, डेप्रिसिएशन जो है वो कम आ रही थी, अब आपने बोला है मैं रिड्यूसिंग यूज करूंगा ताकि डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाए और मैं प्रॉफिट क्या करूं कम रिपोर्ट करूं ताकि मुझे टैक्स कम देना पड़े। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी की वायलेशन। कंसिस्टेंसी कहता है आपको अकाउंट एक ही तरीके से बनाना है। हाँ अकाउंट्स पे चेंजेस कब कर सकते हैं, कब उस वक्त कर सकते हैं जब आपके चेंजेस वारंट कर रहा है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि आप अकाउंट्स में चेंज करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम अगले साल पढ़ेंगे A2 लेवल में। सही जी, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। और उसके बाद प्रूडेंस, प्रूडेंस तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है, कंजर्वेटिव अप्रोच। कहते हैं ना भाई ये लड़का बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है। सही है ना, तो कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही एहतियात पसंद। सही है ना, वो कहते हैं कि जैसे आजकल कहा जाता है यार ये बहुत ही बैकवर्ड मेंटेलिटी है, तो वो कुछ लोग कहते हैं यार ये बैकवर्ड नहीं है, कंजर्वेटिव लोग। कंजर्वेटिव लोग मतलब बहुत ही ज्यादा एहतियात करते हैं। सही है ना, तो ये एहतियात पसंद लोग हैं ये कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिज्म वाले लोग। तो प्रूडेंस का क्या मतलब है, प्रूडेंस का मतलब ये है कि आपने भाई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट देखिए, प्रूडेंस कहता है दो चीजें। प्रूडेंस कहता है जो लॉस होने वाला है उसके होने का इंतजार ना करो बल्कि उसको आज ही बुक करो। वो लॉस जो आप फोरसी कर रहे हैं, नजर आ रहा है भाई आगे से लॉस आ रहा है, तो लॉस के होने का इंतजार ना करें, लॉस के आने का इंतजार ना करें, आज ही उसको रिकॉर्ड कर लें, तो ये क्या कहलाएगा, प्रूडेंट अप्रोच। प्रूडेंट ये भी कहता है कि बेस्ट केस सिनेरियो ना शो करें
और वर्स्ट केस सिनेरियो शो। प्रूडेंट अप्रोच ये कहती है, ये ना बताओ कि मेरा अच्छे से अच्छा ग्रेड क्या आ सकता है, सर ये बताओ कि अगर खराब से खराब पेपर आ गया तो मेरा कम से कम क्या ग्रेड आएगा। तो ये है आपका प्रूडेंट अप्रोच, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। प्रूडेंस क्या कहता है, एक्सपेक्ट द वर्स्ट। बेस्ट को एक्सपेक्ट ना करें, वर्स्ट को एक्सपेक्ट करें और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें कि अगर खराब से खराब हालात रहे तो क्या मैं सर्वाइव कर जाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये है आपका प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अपने प्रॉफिट और एसेट को ओवरस्टेट ना करो जी। उसके बाद है हमारा प्रूडेंस एक और बात कहता है कि अपने प्रॉफिट और एसेट को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो। डू नॉट ओवरस्टेट प्रॉफिट्स एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स और एसेट्स को ओवरस्टेट ना करो। ये प्रूडेंस आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे भी अप्लाई होता है, ये डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई होता है। अगर डाउटफुल डेट पे अप्लाई करें तो वो कहते हैं प्रॉफिट और एसेट को ओवरस्टेट ना करें। आपको पता है अगर हम पहली दफ़ा प्रोविजन बुक करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, अगर हम एक्सपेंस बुक ना करें तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। सही, अगर हम एक्सपेंस को बुक ना करें तो हमारा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। और अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक कॉन्ट्रा एसेट है, अगर हम उसको बुक ना करें तो हमारे डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, ओवरस्टेट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हमारे डेटर्स और प्रॉफिट ओवरस्टेट हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं वो लॉस जो होने वाला है उसको हम आज ही बुक कर लेते हैं और एक्चुअल बैड डेट होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आज ही जितनी हमने सेल की है उसका जो एक्सपेक्टेड लॉस है उसको हम क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। और ऐसे ही ये प्रूडेंस अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन के ऊपर। कैसे अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन, ऐसा है कि अगर हमारा एक एसेट डेप्रिशिएट हो गया तो हम उसको हम एज एन एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। अगर हम वो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस बुक ना करें तो क्या होगा, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम एसेट को डेप्रिशिएट ना करें बैलेंस शीट में तो एसेट भी क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में ओवरस्टेट हो जाएगा, जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। अरे बस तो ये आपका प्रूडेंस। अच्छा तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रूडेंस ये कहता है कि जानबूझ के एसेट्स को क्या करो, अंडरस्टेट करो। सही है ना, जानबूझ के नहीं, सॉरी जानबूझ के हाँ, एसेट्स को अंडरस्टेट करो और लायबिलिटीज को ओवरस्टेट करो, ये बात गलत है। प्रूडेंस ये कहता है ट्रू पिक्चर शो करो। प्रूडेंस ये नहीं शो कहता कि जान, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग प्रूडेंस के ऑपोजिट चल रहे हो। कैसे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं लोग, जानबूझ के क्या करते हैं, एसेट कम शो कर रहे होते हैं, लायबिलिटी ज्यादा शो कर रहे होते हैं। क्यों, टैक्स बचाने के लिए। प्रूडेंस ये नहीं कहता अपने हालात जानबूझ के खराब शो करो टैक्स बचाने के लिए। प्रूडेंस कहता है ट्रू पिक्चर शो करो। ऐसा नहीं है कि अपने एसेट्स को छुपाओ जानबूझ के गवर्नमेंट से कि टैक्स ना देना पड़े, लायबिलिटीज को एक्सपेंस को बढ़ा चढ़ा कर शो करो, ऐसा नहीं। प्रूडेंस कहता है जो आपकी असल पिक्चर है ट्रू पिक्चर वो शो करो, जो लॉस होने के चांसेस हैं उसको बुक कर लो, लेकिन जो गेन होने के चांसेस हैं जब तक गेन हो ना जाए उसको रिकॉर्ड ना करो। सही है कि खुदा ना खास्ता अगर गेन ना हुआ तो फिर क्या होगा, इसीलिए पहले से गेन बुक ना करो, और जो लॉस होने वाला है एस्टिमेटेड है कि हाँ यार ये लॉस हो सकता है तो उसको बुक कर लो, जो गेन हो सकता है जब तक गेन हो ना जाए उसको बुक ना करो। उसके बाद है हमारा अक्रूवल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, इनकम और एक्सपेंस को मैच करना। सही, अगर इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस के साथ मैच करना। देखिए इनकम और एक्सपेंस को मैच करने का ये मतलब नहीं है अगर इनकम है 1 लाख तो एक्सपेंस भी 1 लाख होना चाहिए। अगर इनकम और एक्सपेंस दोनों 1 लाख है तो क्या होगा भाई, तो हो जाएगा नो प्रॉफिट या नो लॉस, तो हो जाएगा ब्रेक इवन। हम ये तो नहीं चाहते नो प्रॉफिट या नो लॉस। जब हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंस को मैच करने की तो किस चीज़ को मैच करना है, अमाउंट को मैच नहीं करना बल्कि टाइमिंग को मैच करना। अगर इनकम 2020 में रिकॉर्ड हुई है तो एक्सपेंस भी 2020 में रिकॉर्ड होना चाहिए, 2021 में या 2019 में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इनकम और एक्सपेंस मैच होनी चाहिए। अगर इनकम और एक्सपेंस मैच होगी तो ये कहलाएगा अक्रूवल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे ही सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा सवाल है सेल्स माइनस परचेज क्यों नहीं करते, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्यों करते। बिल्कुल,
भाई देखें बात ये है, मुझे बताएं परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या फर्क है, परचेज और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या फर्क है? सही भाई देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, मैंने 1000 यूनिट क्या किए हैं परचेज किए, कितने यूनिट परचेज किए 1000, जिसमें से 300 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए और सेल कितने किए 700। तो जब मैं सेल्स लूंगा तो रेवेन्यू आएगा 700 यूनिट्स का, 700 मल्टीप्लाई बाय जितने में मैंने यूनिट बेचे। रेवेन्यू में से मैं परचेज माइनस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि परचेज है 1000 यूनिट की और सेल्स कितनी है 700 यूनिट। अगर 700 यूनिट की सेल है तो परचेज भी कितनी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल भी 700 की होनी चाहिए। मैंने परचेज तो किए 1000 यूनिट, तो मैं क्या करूंगा, परचेज में से लेस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर 300 यूनिट अनसोल्ड है क्लोजिंग है तो मैं माइनस कर दूंगा, 1000 यूनिट परचेज है जिसमें से 300 यूनिट क्लोजिंग है तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 700। जब रेवेन्यू है 700 यूनिट का तो कॉस्ट ऑफ सेल भी आनी चाहिए 700 यूनिट की, ताकि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ये मैचिंग है। मैचिंग कैसे? जब इनकम है 700 यूनिट की तो कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए वो भी 700 यूनिट की, ताकि जो ग्रॉस प्रॉफिट आए वो भी 700 यूनिट का। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर रेवेन्यू हमारा 700 यूनिट्स पे बेस्ड है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 700 पे होनी चाहिए, 1000 यूनिट पे नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ये मैचिंग है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना है फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। जो माल अभी बिका नहीं उसका रेवेन्यू अभी आया नहीं, जिसका रेवेन्यू अभी आया नहीं वो अगले साल आएगा, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई वो कब बिकेगी, अगले साल, तो उसकी कॉस्ट भी अगले साल चार्ज होनी चाहिए, इस साल चार्ज नहीं होनी चाहिए। जब इनकम अगले साल आएगी तो एक्सपेंस भी अगले साल बुक होना चाहिए। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग की एक और एग्जाम्पल, कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा मंथली रेंट है 10,000 तो एनुअल रेंट कितना होगा 120,000। मैंने रेंट पे किया है 150,000, लेकिन मैं रिकॉर्ड 150 नहीं कर सकता, 150 में से 120 इस साल का है, 30 जो एक्स्ट्रा है वो है प्रीपेड। तो ईयर एंड पे आपको पता है प्रीपेड हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि वो प्रीपेड इस साल से बिलोंग नहीं करता बल्कि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग। ये मैचिंग है क्योंकि रेवेन्यू हमें 12 महीने का मिला है तो एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस भी 12 महीने का बुक होना चाहिए, 15 महीने का बुक नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम प्रीपेड को ईयर एंड पे माइनस कर देते हैं। और अगर अक्रूड एक्सपेंस है, जी क्या कह रहे हैं मेरे भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट, नॉट इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। जिस वक्त पैसा आ रहा है या जिस वक्त पैसा जा रहा है उस वक्त रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस पीरियड से इनकम बिलोंग करती है या जिस पीरियड से एक्सपेंस बिलोंग करता है उस पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो चाहे पैसे दिए या पैसे नहीं दिए, इनकम को रिकॉर्ड कर लो चाहे इनकम हमारी रिसीव हो गए पैसे या रिसीव नहीं। अगर इनकम हमारी अर्न कर ली है हमने तो इनकम को रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस हमने इनकर कर लिया है तो एक्सपेंस को क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो। अब मैचिंग किस पे अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई हो सकता है और डाउटफुल डेट पे भी अप्लाई होता है। पहले अप्लाई करते हैं इसको डाउटफुल डेट पे। जैसे हमने सेल की है 2020 में और दिसंबर में सेल की है और पैसे आएंगे नेक्स्ट ईयर 2021 में जनवरी, सेल किए दिसंबर में पैसे आएंगे जनवरी में, लेकिन दिसंबर बिलोंग कर रहा है 2020 से और जनवरी बिलोंग कर रहा है 2021 से। रेवेन्यू इस साल बुक हुआ तो अब बैड डेट होगा या नहीं होगा ये कब पता चलेगा, ये अगले साल पता चलेगा। सेल्स इस साल रिकॉर्ड हुई है, रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड हुआ है, बैड डेट अगर एक्सपेंस होता है तो वो नेक्स्ट ईयर होगा, ये मैचिंग को वायलेट कर रहा है। इनकम इस साल रिकॉर्ड हो रही है, एक्सपेंस अगले साल रिकॉर्ड हो। क्या करें, कस्टमर को फोन करके बोले भाई देखो अगर आपने पैसे खाने हैं तो आप अभी बता दो ताकि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट खराब नहीं। कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो बैड डेट हो जाए, बल्कि हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि जितनी हमने इस साल सेल की है इसमें से कितना बैड हो सकता है, जितना बैड हो सकता है उसके होने का इंतजार ना करें, उसको क्या करें, आज ही बुक कर लें। तो ये क्या है, ये मैचिंग है। सही, मैचिंग क्या है, अगर सेल इस साल हुई तो प्रोविजन भी इस साल बुक हो जाए ताकि हम बैड डेट का वेट ना करें बल्कि इसी साल प्रोविजन बुक करें।
ये मैचिंग हो गया, और मैचिंग डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर हम हमारा एक एसेट है जिसकी लाइफ है 5 साल, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन है जिसको हम यूज करेंगे 5 सालों तक, तो उस मशीन से रेवेन्यू जनरेट होगा ओवर 5 ईयर्स, तो उस मशीन की जो कॉस्ट है वो उसको इसी साल बुक कर ले, नहीं, उस मशीन की कॉस्ट को हम 5 सालों पर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। अगर रेवेन्यू आ रहा है ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स, तो एक्सपेंस भी आना चाहिए ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स। तो ये क्या चीज़ है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, सही, ताकि इनकम और एक्सपेंस को हम मैच करें। अगर इनकम 5 सालों तक मिलेगी उस मशीन से, तो उस मशीन की डिप्रिसिएशन भी 5 सालों पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, और उस मशीन की जो कॉस्ट है उसको पहले साल में अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करें, बल्कि उसको पहले ट्रीट करें एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको एज अ नॉन करंट एसेट बनाए, और 5 सालों में उसको इक्वली क्या करते रहें, डेप्रिशिएट करें। नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मटीरियल क्या होता है, मटीरियल अमाउंट वो होता है जो मेजर हो, सही। जैसे मिसाल है कि दो लोग हैं, एक जो है वो कोई बिलियनर है मलिक रियाज, और एक जो है वो कोई समझ लें चौकीदार है जो मलिक रियाज के जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सही। अब वो जो चौकीदार साहब हैं, अगर उसके 1000 रुपये गिर गए, तो वो फॉर एग्जांपल 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे भी उस 1000 रुपये को ढूंढेगा, क्यों, उसके लिए 1000 रुपया बहुत मटीरियल अमाउंट है। और मलिक रियाज साहब के अगर जो है वो 1 लाख रुपये भी गिर गए, तो वो उसको 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं ढूंढेंगे, या शायद उतना भी ना टाइम दें, क्यों, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है, उनके लिए 1 लाख रुपए क्या है, इमटीरियल, सही। तो चौकीदार के लिए 1000 रुपए मटीरियल अमाउंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है पूरे महीने की, तो उसकी 2 दिन की इनकम है 1000 रुपए, सही है। अब वो जब 2 दिन लगा के 1000 रुपए वो कमा रहा है, तो वो 2 घंटे भी लगा सकता है, 3 घंटे भी लगा सकता है, अगर उसको यकीन हो कि वो पैसे मिल जाएंगे तो वो ढूंढता रहे। लेकिन मलिक रियाज की इनकम चूंकि बहुत ज़्यादा है, उसके लिए 1 लाख रुपए भी क्या है, इमटीरियल। तो ये मटीरियलिटी डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मटीरियलिटी का क्या मतलब है, मटीरियलिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो एक्सपेंस जो एसेट्स हैं, जो इमटीरियल एसेट्स हैं, उसको ट्रीट करो एज एन एक्सपेंस। क्या मतलब, ये मतलब ये जो कैलकुलेटर है वो क्या होता है, वो एक नॉन करंट एसेट होता है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर की नॉर्मली लाइफ, अगर आप अच्छा वाला कैलकुलेटर लें केसीओ कंपनी का या और किसी कैनन का, तो उसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस उस कैलकुलेटर को एज अ नॉन करंट एसेट ट्रेड नहीं करती, बल्कि उसको एज एन एक्सपेंस ट्रेड करती है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर की लाइफ तो भले 2-3 साल हो, लेकिन उसके पैसे इतने ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये का है, तो वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम ट्रेड करें एज अ नॉन करंट एसेट, फिर उसको डेप्रिशिएट करें, फिर जब वो बिक जाए तो उसकी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करके उस पर गेन या लॉस कैलकुलेट करें। इंस्टेड हम उसको ट्रीट करना पसंद करेंगे एज एन एक्सपेंस, सही है जी। तो ये कैलकुलेटर वैसे तो नॉन करंट एसेट है, लेकिन चूंकि वो इमटीरियल है, तो जो छोटे मोटे एसेट है उसको ट्रीट कर लो एज एन एक्सपेंस, सही जी। ये है आपका मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी हर वो चीज़ है जो शेयर होल्डर की डिसीशन मेकिंग को क्या करे, अफेक्ट करे। हर वो अमाउंट मटीरियल है जो शेयर होल्डर को अफेक्ट करे, उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे। जो छोटे मोटे एसेट है वो हमारे लिए मटीरियल नहीं होते, इसको हम एज अ ट्रेड करते हैं एज एन एक्सपेंस। तो ये बेसिकली यहाँ पर मटीरियलिटी का इस्तेमाल है कि छोटे मोटे एसेट्स को एसेट ना बनाओ, बल्कि उसको ट्रेड कर लो एज ए एक्सपेंस। मटीरियलिटी के बाद भाई नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये एक नई चीज़ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और इस पर बात करते हैं, नया कॉन्सेप्ट है जो पहले आपने जिसके बारे में ओ लेवल में नहीं सुना। सब्सटेंस और फॉर्म दोनों में फर्क है। फॉर्म जो है ये कहलाता है लीगल फॉर्म, क्या कहलाता है जी, लीगल फॉर्म। और सब्सटेंस जो कहलाता है वो कहलाता है इकोनॉमिक रियलिटी, क्या कहलाता है भाई, इकोनॉमिक रियलिटी। मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ तो बात समझ आएगी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो किसके अंदर, सब्सटेंस में, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो सब्सटेंस में और लीगल फॉर्म में, तो हम हमेशा सब्सटेंस को फॉलो करेंगे, लीगल फॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि जैसे हमने एक गाड़ी ली फाइनेंसिंग के ऊपर, जैसे आपको पता है फाइनेंस लीज होती है, गाड़ी ली इंस्टॉलमेंट पे, लीजिंग पे, और वो जो गाड़ी हमने ली वो 5 साल की हमने इंस्टॉलमेंट की है, और आपको पता है जब तक हम 5 साल की किस्तें ना भर दें, इंस्टॉलमेंट्स ना भर दें,
वो गाड़ी किसके नाम की होगी, बैंक के नाम। फॉर एग्जाम्पल HDL हबीब बैंक से गाड़ी लीज करवाई हमने, 5 साल तक हम उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे और हर साल 12 इंस्टॉलमेंट है, 5 साल की 60 इंस्टॉलमेंट, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है जब तक वो 60th इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर देते, वो गाड़ी किसके नाम की होगी, वो HBL के नाम की होगी, वो गाड़ी किसके नाम पे होगी, HBL के नाम। और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट हमने क्लियर कर दी तो हबीब बैंक लिमिटेड वो गाड़ी हमारे नाम पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो जो लीगल फॉर्म है वो गाड़ी लीगली हमारी नहीं है 5 साल तक, और 5 साल के बाद जब हमने सारी किस्तें भर दी तो लीगली वो गाड़ी का टाइटल हमारे पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा और वो गाड़ी हमारे नाम पे आ जाएगी। आप ये कर रहे थे कि जब तक वो आप आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते वो गाड़ी आपके नाम पे नहीं होगी लीगल। लेकिन अगर आप कंपनी हैं और आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो सवाल ये आता है वो एसेट बैलेंस शीट में आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो गाड़ी। लीगल फॉर्म ये कह रहा है कि वो गाड़ी आपकी नहीं है, वो हबीब बैंक की है, ये लीगल फॉर्म है। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस ये है इकोनॉमिक रियलिटी इस ट्रांजेक्शन की। इकोनॉमिक रियलिटी ये बता रही है कि गाड़ी ये आपकी है, क्यों, इसके रिस्क और रिवॉर्ड आपके ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। जब भी किसी एसेट के रिस्क और रिवॉर्ड आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो वो कहा जाएगा कि वो गाड़ी आपकी हो चुकी है। लीगल फॉर्म में पेपर्स में ये गाड़ी किसकी है, हबीब बैंक की है। लेकिन क्या इस गाड़ी को आप ऐसे चला रहे हैं कि जैसे हबीब बैंक की गाड़ी समझ के चला रहे हैं, अपनी गाड़ी समझ के चला रहे हैं, अपनी गाड़ी समझ के चला रहे हैं, क्यों आप गाड़ी को मार नहीं रहे कहीं, क्यों, आपको पता है भाई लगी, ऑल्दो इंश्योरेंस तो है, इंश्योरेंस में बन जाएगी, लेकिन बनी हुई गाड़ी और जेन्युइन गाड़ी में बहुत फर्क होता है। अरे बात समझ, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा यार इंश्योरेंस में गाड़ी दरक पे ले जाके मार दी यार, देखो लगने के बाद गाड़ी कैसी लगती है, और भाई उस पर इंस्टा पे डाल लो मैंने अपनी गाड़ी मार दी, नहीं ऐसा नहीं है। हरी भाषा में, क्योंकि वो गाड़ी मेरी है और वो लगती है, उस पर स्क्रैच लगता है तो मुझे दुख होता है, क्यों, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। अब अगर इस गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल, तो फायदा किसका है, मेरा है, बैंक का फायदा नहीं है, मैं बैंक को उतने पैसे दूंगा जितने में मैंने डील की। और अगर इस गाड़ी की प्राइस खुदा ना खासा कम हो जाते हैं, वैसे तो चांस नहीं है गाड़ियों का रेट कम होने के, लेकिन अगर गाड़ियों के रेट गिरते हैं तो नुकसान भी मेरा है, क्यों, मैंने तो बैंक को पूरे पैसे देने। तो कहा जाएगा कि इकोनॉमिक रियलिटी ये कह रही है कि गाड़ी आपकी हो चुकी और आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे गाड़ी को, ऑल्दो इस गाड़ी की जो पूरी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, जितना पैसा आपने अभी तक नहीं दिया आपके ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटी है, या जो नेक्स्ट ईयर देना है वो करंट लाइबिलिटी है, उसको हम एज अ लाइबिलिटी भी बुक करेंगे और बैलेंस शीट में उसको एसेट भी बुक करेंगे। तो ये क्या कह रहा था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है व्हेनेवर देयर इज अ क्लैश बिटवीन द लीगल फॉर्म ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक रियलिटी, द इकोनॉमिक रियलिटी शुड ऑलवेज प्रिवेल। सही है, जब भी लीगल फॉर्म कुछ और बता रहा हो और इकोनॉमिक रियलिटी कुछ और बता रही हो तो आपने क्या करना है, इकोनॉमिक रियलिटी को रिकॉर्ड करना है और लीगल फॉर्म को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि आपने ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर दे सकता हूँ सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। और वो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन होता है सेल एंड लीज बैक, क्या भाई सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन होता है। ये क्या होता है सेल एंड लीज बैक, इसको समझे भाई, एग्जाम्पल ये है एक कंपनी है, समझ लें एक बिजनेस ओनर है, उसने एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसने एक जगह ली फैक्ट्री के लिए और वो जगह उसको ली बहुत महंगी जगह ली साइट में, और वो 10 करोड़ रुपए की जो है ना उसने जगह ली। अब उसने जगह तो ले ली 10 करोड़ रुपए की, उसको जगह बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसको बाद में ख्याल आया कि यार जितना पैसा हमें चाहिए था जगह लेने के लिए वो हमने सारा पैसा तो जगह में लगा दिया 10 करोड़ रुपए की, अब हमें फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टाफ एम्प्लॉय करना है, अब हमें पैसा भी तो चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए, तो हमारे पास पैसा तो है नहीं, 10 करोड़ रुपए की जगह हमने खरीद ली और फॉर एग्जांपल हमें उसके लिए 7 करोड़ रुपए और चाहिए फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो किसी ने मशवरा दिया कि आप कर लें सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, कि आप वो चले गए बैंक के पास और बैंक को बोला भाई ये देखें ये हमने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक ज़मीन खरीदी है फला एकड़ की, और हम चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हम आपको बेच दें बैंक को 10 करोड़ रुपए में, और उसके बदले हम आप हमें पैसे दे दें और यही जगह 10 करोड़ रुपए वाली हमारी जगह आप हमें लीज पर दे दें दोबारा, और हम आपको उसकी किस्तें भरते रहें कितने सालों तक, 10 सालों तक। तो ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक का मतलब कि मैंने ये प्रॉपर्टी बैंक को बेची,
दस करोड़ रुपए में और बैंक ने ही ये प्रॉपर्टी मुझे क्या दे दी, लीज पे दे दी। सही है, पहले मैंने बैंक को यही प्रॉपर्टी बेची, पैसा मेरे पास आ गया 10 करोड़, मैंने यही जगह बैंक से लीज पे ले ली। अब हर महीने फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ हर महीने। अब मैंने बोला है मेरे पास पैसा तो आ गया 10 करोड़, वापस जगह भी वापस आ गई, अब मैं क्या करूँगा, पूरी फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री से बिजनेस सेटअप करूंगा और उससे जो कमाऊंगा हर महीने मैं 10 लाख रुपए किसको भरता रहूंगा, अभी बैंक को 10 सालों तक पेमेंट करता रहूंगा। और फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए में मैंने जगह जो बेची थी, फॉर एग्जाम्पल 15 करोड़ रुपए में मैंने दोबारा लीज पे ले ली किससे, बैंक से। तो ये ट्रांजेक्शन कहलाएगा सेल एंड लीज बैक। अच्छा वैसे देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन लग रहा है कि ये सेल एंड लीज बैक, हमने एक जगह बेच दी और वो हमने बाय एंड सेल का ट्रांजेक्शन, लेकिन लीगल फॉर्म तो ये बता रहा है बाय एंड सेल का ट्रांजेक्शन, लेकिन सब्सटेंस क्या बता रहा है, ये बाय एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा आपने लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी को क्या करके, मॉर्गेज करके। सही है, तो लीगल फॉर्म ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैंने सेल की, डिस्पोजल की, फिर मैंने प्रॉपर्टी जो है वो दोबारा बाय की है ऑन लीज, लेकिन सब्सटेंस ये बता रहा है कि आपने सिर्फ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किया है बैंक के साथ, और ये जो है वो लीगल फॉर्म इसका मतलब एक तरीके का धोखा है। इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि ये सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं है प्रॉपर्टी का, ये सिंपली हमने लोन लिया बैंक से, तो हम इसको एज अ ट्रेड करेंगे एज अ लोन, और हम प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में से हटाएंगे नहीं, प्रॉपर्टी को बुक्स में रहने देंगे। सही है, और उसके बदले जो हमने लोन लिया है उस लोन को हम एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी शो करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम लोन को रीपे करते रहेंगे हम लाइबिलिटी को क्या करते रहेंगे, पे ऑफ करते रहेंगे। आगे बढ़ सकते हैं, तो ये है आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ज़्यादा डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है इसकी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे हमने पहले भी शायद बात की थी, किसी स्टूडेंट ने पूछा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रेवेन्यू के ऊपर, कि हमने रेवेन्यू को रियलाइज कब करना है, रेवेन्यू को बुक कब करना है, बिजनेस में रिकॉर्ड कब करना है, तो ये है रेवेन्यू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। भाई देखिए रेवेन्यू को कब रियलाइज करेंगे उसमें डिफरिंग ओपिनियन हो सकते हैं, कोई बोलेगा यार जिस वक्त मैंने गुड्स बेची उस वक्त रेवेन्यू बुक होना चाहिए, कोई कह रहा है जिस वक्त गुड्स कस्टमर ने रिसीव कर ली उस वक्त रेवेन्यू बुक होना चाहिए, जिस वक्त कस्टमर ने गुड्स ऑर्डर की थी कोई कहता है उसी वक्त रेवेन्यू बुक कर लो, कोई कहता है कस्टमर ने जब पेमेंट दे दी उस वक्त आप रेवेन्यू बुक करें, तो रेवेन्यू को कब बुक करें, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड होना चाहिए जब रेवेन्यू अर्न कर लिया, जब पैसा आपने कमा लिया है उस वक्त आप रेवेन्यू को क्या करें, बुक करें। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी थी, आज भी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पता है स्कूल है और ट्यूशन है और जितनी भी एजुकेशन है उसमें फीस क्या होती है, एडवांस में होती है। एडवांस का मतलब ये है जैसे पहली तारीख आई या 5 तारीख आई, मैंने आपको बोला भाई आप फीस जमा करा दें, आपने फीस जमा करा दी, जुलाई की फीस आप लोगों ने पे कर दी है, मैंने पैसे रिसीव तो कर लिए लेकिन ये रेवेन्यू मैंने अभी अर्न नहीं किया, पैसे मेरे पास आ गए लेकिन ये पैसे जो आपके आए मेरे पास, ये मेरे पास एक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। क्यों? अब मैंने वो जो पैसा रिसीव किया है पहली तारीख से 5 तारीख तक, वो पूरा महीना मैंने उस पर आपको पढ़ाना है। सही, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आप बोलेंगे सर वो पैसे आप वापस कर दें, मैं आपको कह रहा हूँ पैसे मैंने ले लिए, अब मैं आपको कह रहा हूँ सॉरी यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ तो मैं नहीं आपको टाइम दे पाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर अल्लाह आपको और तरक्की दे, लेकिन आप पैसे तो वापस दे दें ताकि फिर कोई और ट्यूटर ढूंढ लें। तो वो जो पैसे मैंने रिसीव कर लिए, जो पैसे मैंने रिसीव कर लिए, वो रिसीव करना अलग चीज़ होता है और अर्न करना अलग होता है। अर्न कब होगा, जब जो मैंने आपको वादा किया है जिस चीज़ के पैसे आपसे दिए, जब तक वो मैं आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर देता, जब तक मैं आपको पढ़ा नहीं देता पूरा महीना, तो वो रेवेन्यू मैं अर्न नहीं कर सकता। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी उस वक्त आप रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी तो उस वक्त आप रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो जिस वक्त आपने माल डिलीवर कर दिया कस्टमर को उस वक्त आप रेवेन्यू बुक कर लो चाहे पैसे आए या नहीं आए, जिस वक्त आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी कस्टमर को उस वक्त आप रेवेन्यू बुक कर लें चाहे पैसे रिसीव हुए या नहीं रिसीव हुए। तो ये आपका कहलाएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो टॉपिक समझ में आया, थोड़ा सा जो है वो बोरिंग है लेकिन आप जितना कर सकता था मैंने आपके लिए कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होगी।